जिसको अपने देश से प्यार हो कमेंट में जय हिंद लिख ले, जय हिंद लिख ले रहना भाई, क्योंकि 15 अगस्त वाले दिन ये वीडियो आएगी और उस दिन तो सारे बोल दो भारत माता की जय, मातरम मातरम, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा दो मिनट में पसीने आ रहे हैं बेचारे सोल्जर्स, कैसे करते होंगे। तो भाई सामने वो बॉर्डर लाइन है, मोदी जी चाहेंगे तो अभी 15 अगस्त के बाद जनसंख्या नियंत्रण बिल भी लाएंगे, उसका भी हम स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे आपको, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मार दो पहलवान, चल। तो भाई रजिस्ट्रेशन करवा के ये देख सकते हो और निकल लिए, अब अपनी गाड़ी में जाते हैं और चलते हैं बॉर्डर की ओर। भाई इन लोगों ने हमारे एक वो लगा दी बाउंडेशन की, भाई एक थाली लोगे और एक ही बंदा खाएगा, कैसा न्याय है भाई। हमें थोड़ी सी भूख लगी हुई थी लेकिन अब दो थाली मंगवा ली, मानवी दबा के रोटी खानी है। हरियाणा वाला दिखाना है कि हरियाणा वाले हरियाणा से है, ठीक है। ईजी है मानवी, इतनी रोटी खाइए कि आपका पेट ये कहे कि हाँ पहले वो रोटी खाइए। क्यों जी, रोटी खानी है फुल दबा के, कम से कम 10-15 रोटी खानी है, 10-15 रोटी मैं खाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गेस्ट हाउस भाई इनका वो है, खाना खिला के बस नहीं, ये इनका है खाना खिला के साइड में सुला देंगे। अगली बार ये कंडीशन रखिए कि एक आदमी को दो थाली मंगवानी। हम लेके आएंगे ऐसे बंदे को, लेके आएंगे जो फुल खाना खाने वाला हो, फिर समय अगली बार। बॉर्डर सिक्योरिटी भाई, तो ये भाई पोस्ट मतलब जो पास बना हुआ है, पास दिखाना होता है फिर आगे जाने देते हैं। तो दो जगह चेक हो चुका है और ऐसे इतनी गर्मी में यहाँ पे बैठे हैं, बहुत गंदी गर्मी है भाई। सल्यूट है ऐसे सोल्जर्स को, बस क्या ही बताओ। ठीक है, थैंक यू सर। तो भाई देख सकते हो दूर दूर तक तो 10-15 किलोमीटर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा यार, कुछ भी। और भाई यहाँ लड़ाई हुई थी, देख सकते हो ये बॉर्डर की निशानियाँ ये लगे हुए हैं। यहाँ जो बॉर्डर मूवी शूट हुई थी भाई, पूरी शूटिंग उसकी यहाँ पे हुई थी। एक एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता हूँ मैं, क्या थी मतलब कैसे क्या क्या सीन थे, बाकी देख सकते हो भाई पूरा एरिया सुनसान पड़ा है, इंसान तो है ही नहीं बिल्कुल भी। बस ये है जो है बेचारे जानवर। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं इंडियन पाक बॉर्डर, ये देख सकते हो भाई। अब आ रहा है मजा, गाड़ी लगा देते हैं साइड में, गर्मी हो रखी है बहुत बहुत गंदे वाली यार। अब 2 मिनट में पसीने आ रहे हैं बेचारे सोल्जर्स, कैसे करते होंगे, है ना। यहाँ पे ड्यूटी 24 आवर्स जो रहते हैं। पहुंच चुके हैं पाक बॉर्डर पे और देसी लुक दोनों ने धारण कर लिया भाई, देसी तरीके से आ रहे हैं, कोई ये नहीं है। ये देख लो सामने भाई इंडियन पाक बॉर्डर, भाई क्या फील आ रही है, क्या देखना, क्या पाकिस्तानों को देखना। मैं होता ना भाई खड़ा देता तरीके से उस टाइम पे, मन करा सभी को। आज आप वीडियो देख रहे होगे भाई, बाघा बॉर्डर की वीडियो देख रहे होगे, ये वीडियो देखना यहाँ पे कितना मतलब मजा आने वाला है रात को। और भाई वहाँ पे लोग इकट्ठा होने लग गए हैं, वो देखो गाड़ियाँ पे गाड़ी आने लगी, और चलते हैं सामने की ओर। तो भाई सामने वो बॉर्डर लाइन है, वो देख सकते हो, उसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, नामुमकिन है भाई। सच बात यह है उसके अंदर करंट है बहुत ज़्यादा, और अभी बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो चलते हैं वो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से जो पाक आर्मी का वो है जो जो उनका जो भी सिस्टम है वहाँ से दिखाई देगा, तो उनको देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे टीम मिला रहे हैं। चलते हैं, पाकिस्तान में भी दिखेंगे पाकिस्तानी, पाकिस्तानी लोग। मैंने तो सोचा था इधर से ना पत्थर फेंक के मारूंगी उस साइड, हाँ पत्थर नहीं मैं तो बम फेंक के मारूंगा, इतने भी विवादित बयान नहीं देने। मैं मारूंगा भाई, मैं AK-47 से सोचा था पत्थर फेंक के, मैंने सोचा ऐसे मिलेगा एक तार इधर फिर ऐसे ऐसे हाथ करके आएंगे फिर ये तो। मैं तो AK-47 लेके आया हूँ, AK-47 अपनी साइड तो दो है, एक साइड ये फिर एक ये, फिर CCTV फिर इलेक्ट्रिक करंट, और यार वो सब दी गई। ये बेचारे देखियो कितने बेजुबान जानवर, कितने पतंग हो रहे हैं, ये देखियो बहुत गंदी गर्मी लग रही है। तो कह रही है ना कि इनको कुछ दिक्कत नहीं हो रही,
भाई ये है वो टावर, इसके ऊपर से दिखेगा सब कुछ उस साइड का। तो चलते हैं इसके ऊपर, आइए मिलवाते हैं आपको पाकिस्तानियों से जो हमारे देशद्रोही हैं, उनसे मिलवाते हैं। भाई अगर आप देख रहे हो तो भाई थोड़ी बहुत शर्म कर लो, सुधर जाओ, अभी भी मौका है। पाकिस्तान से लड़ने के लिए चार मंजिल पे चढ़ गई हुई है भाई, टावर पाकिस्तान को है, जब तो अपना टावर नहीं मिल रहा, टावर बंद है। अच्छा वो सामने वाला टावर उनका है? हाँ उनका ही तो है। और जो ये छतरी से बनी हुई है ये भी गद्दारों की है, गद्दारों की है। अभी लोगों के दिलों में जाग गई है कि हाँ हिंदुत्व जरूरी है भाई, सच में जरूरी है। तो दिखाते रहो, प्यार बढ़ाते रहो, हिंदू में बची है। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या है जानवर बन चुके हैं, जानवर से भी गंदे, अगर उनसे भी कोई ऊपर कोई होता तो वो चीज उनको दे देते। तो भाई मोदी जी जाएंगे तो अभी 15 अगस्त बाद जनसंख्या नियंत्रण बिल भी लाएंगे, उसका भी हम स्वागत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई उठो जागो यार, कितने दिन तक सोए रहोगे हिंदुओं, हमारे अंदर जातिवाद फैला हुआ है, ये जाट है, ये वो है। भाई मत फैलाओ यार, हम एक है, हिंदू है बस, हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक हिंदू। इतने लोग आए हुए, बिल्कुल एक बार है, कोई बार बार नहीं मरना। जो चीज ये चीज दिखा दो बस सारे मिलके, जितने लोग देख रहे हो। और हमारी दादी जी आए हुए हैं, दादी जी आप यहाँ पे आए हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या आपका दिल कह रहा है? मार दो सभी को, खत्म करने की वो है। हम किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन वो ऐसे काम कर रहे हैं, वो उनको मारना पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक नहीं मारेंगे जब तक नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, क्योंकि बार बार इनको हिदायत दे दी, जो भी चीजें हैं वो नहीं सुधरेगा, जब तक नहीं मारोगे जब तक नहीं सुधरेगा। तो भाई वो चीज हमें स्टेप उठाना, सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना पड़ेगा, तब अब खत्म है उनका कोई काम काज मत दो, इनके यहाँ से सामान, बिल्कुल इनसे कुछ खरीदो मत, छोटी मोटी चीजें जो देने जाते कुछ मत खरीदो, बिल्कुल विरोध करो भाई, जो कट्टर हिंदू है वो विरोध करेगा। तो यही होना चाहिए। बोलो भारत माता की जय, मातरम मातरम, जय। सो फाइनली गाइस निकल रहे हैं बाघा, मतलब इंडियन पाक बॉर्डर से भाई, जो राजस्थान जैसलमेर में है। और भाई प्यार दिखा देना यार, 15 अगस्त वाले दिन वीडियो आपके सामने है, तो कमेंट कर देना जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय।